तो भाइयों आज है हमारे साथ में एक नई गाड़ी, नई गाड़ी का रिव्यू करते हैं। अपने सामने खड़ी है भाई लेटेस्ट एकदम ऑरा, सही रूप से ऑन ड्यूटी के लिए अवरुद्ध। ये खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ऐसे गए राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई सुबह के 11:15 बज रहे हैं, वो घर से निकल के अड्डे पे आए हुए हैं। हमसे कोई मिलने के लिए आया हुआ था, भाई साहब ने फ़ोन किया, मैं यहाँ पे था नहीं, हालांकि फ़ोन हमारा बिजी आ रहा था। जैसे मैं फ्री हुआ तुरंत के बाद कॉल मिला, बोले भैया मैं आपका सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ, वो अड्डे पे मिलने के लिए आया हुआ हूँ, कुछ इनको जानकारी चाहिए थी। तो भैया से करते हैं ढेर सारी बात, देखते हैं इनको जानकारी क्या चाहिए। सबसे पहले भाई हमारे चैनल पर स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा जी हैं और पंडित वाले शर्मा जी हैं, वाले शर्मा जी नहीं, एक अपने लोहारों में होते हैं और एक अपना ब्राह्मण में होते हैं शर्मा जी, वो वाले हैं ये। तो नमस्ते में आप रहते हैं? नमस्ते में रहते हैं। तो भैया गाड़ी लेना चाह रहे हैं? हाँ गाड़ी लेना चाह रहे हैं। और देख भी लिए? गाड़ी देख लिए, तो आपसे जानकारी लेना चाहते थे कि गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। तो अच्छा बताओ कौन सा मॉडल है क्या है? गाड़ी 2022 मॉडल है, दिसंबर की, 28 दिसंबर, उसको 23 ही मानो यार, 23 मानी है। तो वही गाड़ी लेना चाहता था। अच्छा यही पुराना वाला मॉडल, न्यू वाला मॉडल? हाँ पुराना वाला ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि मजबूत है, पता है तुम्हें चीज? हाँ जी पुराने वाले से ज्यादा बेस्ट है ये। हाँ। आज भी इसके बहुत सारे दीवाने हैं जो बोलते हैं भाई पुराना मॉडल मिल जाए तो हम वो गाड़ी लेंगे। नए वाले से? हाँ नए वाले से। अगर शोरूम से नई गाड़ी आने लगे तो पुराने वाले के अभी भी ज्यादा चाहने वाले हैं। ठीक है। अच्छा कितने की तय की आपने गाड़ी? मैंने वो बोला था जिसकी गाड़ी थी ओनर, 6 लाख की देंगे, तो मैंने उसके 5.5 लगाए हैं, तो 5.5 में एग्री हो गया भाई। बहुत बहुत यार बधाई आपको भाई की। हमने फोटो देखी है भाई, गाड़ी नंबर 1 की है और बहुत ही प्यारी गाड़ी है, और 5.5 की है, डायरेक्ट गाड़ी मिल रही है, बीच में कोई दलाल नहीं किया है, कोई दलाल नहीं बताने देने वाला नहीं, नहीं कुछ नहीं। अच्छा इनसे संपर्क कैसे हुआ ये बताओ? संपर्क तो डायरेक्ट होता नहीं इसे। संपर्क में एक्चुअली मेरे मित्र हैं, उनका ट्रेवल्स है, तो उनसे जानकारी मिली है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो क्या ओलेक्स वगैरह या फिर कोई दलाल वगैरह ले जाता है तो भाई 10-5 हजार रूपए अपना बीच कर लेता है। डायरेक्ट संपर्क, डायरेक्ट संपर्क। ये अच्छी बात है की आप दलाल के चक्कर नहीं पड़े और आपको जेन्युइन गाड़ी मिल रही है, और 5.5 की आप बहुत अच्छी कीमत की है, 2022 दिसंबर की है भाई, 5.5 लाख की गाड़ी, ओरिजिनल गाड़ी है, और मात्र कितना 50-60 हजार चली है? 52 हजार चली है। और सारे पेपर अभी कंप्लीट हो, दिसंबर में ही खत्म होंगे जाके शायद, क्योंकि कोई भी आदमी 1 साल के लिए पूरा कराता, दिसंबर की गाड़ी दिसंबर में ही खत्म होगी। हाँ इसका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है 28 फरवरी को। अच्छा 28 फरवरी खत्म होगा, 25 में? चलो ये अच्छी बात है। अभी पे किया है 3 मंथ का, वो खत्म होगा 28 अगस्त को। तो आप ऐसा करना, बातचीत चली रही है? हाँ जी बातचीत चली। आप उनसे ये बोलना कि भाई ठीक है हमारी आपकी बात तय हो गई, जो चालान वगैरह है ओला उबर में जो माइनस है आप जमा करोगे, उसके बाद गाड़ी आप हमें दीजिए, हमसे पैसा लीजिए और चल के ट्रांसफर कीजिए। हाँ। बकाया लोन वगैरह जब तुम्हारे नाम होगा तो लोन तो आप कभी भी करा सकते हो, ठीक है ना? अभी क्या है क्लियर करा के अपने नाम गाड़ी करा लेनी है और आराम से ओला उबर अटैचमेंट। 2100 डाउन पेमेंट भी दे दी मैंने। अच्छा अच्छा, बयाने के तौर पे। अच्छा बयाने के तौर पे, खैर वो ज्यादा मायने नहीं रखता है बयाना, क्या ही बयाना होता है। हाँ। लेकिन चलो ठीक है। तो कब गाड़ी उठाने का मन है? गाड़ी 20 से 22 तारीख को कह रहे थे। चलो अच्छी, हाँ घर वालों से अपने पूछ लेना जब 20 से 22 तारीख, इसी 20 या 22 को उठाने। चलो अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। क्या बात है महाराज? पूछना था यार कुछ यार। ये भी अपने भाई लोग हैं, बताओ क्या जानकारी चाहिए भाई? यार ये बताओ यार भाई, वन वे यार आईडी अपलोड होकर दिया, आईडी नहीं बनी यार अभी तक। अभी मैं नंबर दूंगा, उनसे बात करना, गाड़ी बना देते हैं, आईडी बना। इसमें 200 रूपए जमा करने पड़ते हैं पेपर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, पता है तुम्हें? ये तो नहीं पता था। हाँ तो वो भी जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद ही चालू। ठीक ठीक, भाई से कुछ बात कर ले फिर आपको बताते हैं। करो करो बात। ठीक है। तो भाई दो भाई अपने और बाहर खड़े हुए हैं, इनको भी कुछ जानकारी चाहिए थी, हालांकि वन बे से रिलेटेड है। अपने को क्या है, कोई भी ऐप बेस्ड कंपनी हो, ओला हो, उबर हो, वन बे हो, इन ड्राइवर हो, रैपिडो हो, या और भी कंपनियां हैं जिसमें हम गाड़ी चलाते हैं, तो अपडेट वगैरह या कुछ जानकारी वगैरह चाहिए होती है, जो हमको जानकारी होती है वो हम बता देते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी पुराना है तो काफ़ी चीज़ें हमें पता है, और जो नहीं पता है वो तुम ऐसे लोग नए लोगों से भी हमको कुछ सीखने को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार गाड़ी ले आओ। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। बिल्कुल भैया, है ना, बहुत जल्दी मतलब हम लोगों के साथ में ओला उबर चलाने के लिए या किसी विभाग में लगाने के लिए? ओला उबर, ओला उबर में चलाएंगे, और वैसे प्राइवेट कोई काम मिलता है तो उसमें। अच्छा अच्छा, और ये अच्छी जगह कहीं विभाग में भी अच्छी जगह मिल जाए, अच्छा पैसा मिले तो वहाँ भी देख लेंगे, वहाँ भी देख लेंगे। खुद चलाओगे ड्राइवर चलाओगे? खुद चलाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक जो है अभी तक ऐसी कर में टाइम पास। चलो कुल मिला के पहली गाड़ी है? पहली गाड़ी है। चलो बहुत बहुत बधाई यार, ले आओ आराम से जो है, हम लोगों साथ में ओला उबर में ठीक है चलावा के।
ये देखो लाल लाल गाजर लिए, ये देखो अभी दूर रही ना भाई, हमारे साथी लोग आ गए, भैया से बातचीत हो चुकी है, और कोई जानकारी हो फोन नंबर है ये तो। अच्छा नंबर हमारा कैसे मिला? नंबर भैया से लिया मैंने। अच्छा यहाँ आने के बाद भैया से लिया मैंने आपका नंबर, मैं सर्च कर रहा था तो नंबर मुझे यूट्यूब में मिला नहीं, तो मैंने कहा यहाँ चलते हैं, यहाँ से नंबर मिल जाएगा आपका किसी। चलो अच्छी बात है भाई, यहाँ आने के बाद नंबर पता किया, उसके बाद फोन मिला रहे हैं, नंबर सेव भी कर लिया मैं, थोड़ा सा दूर था भाई आ गया। हाँ अब कोई जानकारी चाहिए तो फोन पे ही हम। हाँ, आप तो जानकारी आप गाड़ी ले लोगे ना तो कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि काम हम लोगों का ऐसा है कभी तुम इधर आ गए हम उधर आ गए तो एक दूसरे को जानते तो मुलाकात। बाकी कैसी क्या राइड है क्या है वो तो सारी कुछ जानकारी आपसे ले लेंगे, वो सारा कुछ रोड पे रहोगे यार तो खुद अपने आप एक ना एक दिन मास्टर बन जाओगे। हम भी कभी नए थे, आज जाके कुछ जानकारियां हुई हैं, तो हालांकि पूरी जानकारी कभी किसी को नहीं होती है, समय के हिसाब से अपडेट आते रहते हैं और फिर जानकारी भी होती रहती है। तो चलो भाई कुछ हमारे भाई लोग बाहर खड़े हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। ठीक है भाई नमस्कार भैया। ओके भाई चलिए सर। तो भाइयों आज है हमारे साथ में एक नई गाड़ी, नई गाड़ी का रिव्यू करते हैं, अपने सामने खड़ी है भाई लेटेस्ट एकदम ओरा, और भाई साहब की है, भाई नाम बताना अपना। निखिल पाल। निखिल पाल पाल जी हैं ये, और हालांकि ली गाड़ी कानपुर से है लेकिन चलाएंगे जो है मतलब हरदोई से ली है, हरदोई के रहने वाले हैं और हरदोई से ही गाड़ी ली है, फिलहाल कानपुर यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब पहले आपको गाड़ी का पूरा चारों बगल का फेस दिखा दे भाई, हालांकि खैर ये गाड़ी काफ़ी दिनों से आ रही है, लगभग एक साल पुराना मॉडल है ना ये, एक साल पहले दूसरा आता था। नहीं नहीं औरा में भी ये पुराना आता था। इसका पुराना है। हाँ इसमें भी पुराना, जिसमें इस तरीके की डीएलआर ये नहीं थी, हाँ यहाँ पे थी ना। तो ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन है जो आ रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ये औरा एस करके आती है, ये वाली है औरा एस एक्स जो होती है वो इससे टॉप मॉडल होती है। दो ही आते हैं ना सीएनजी में, दो ही मॉडल आते हैं, हालांकि इसमें भी ढेर सारे फीचर हैं। अब भाई से पूछते हैं भाई वेटिंग वगैरह कितनी है, डाउन पेमेंट वगैरह क्या किया है, सारी डिटेल लेते हैं भाई। ज़रा गाड़ी खोलना, अभी गाड़ी में पॉलीथीन लगी हुई है, और भाई ने एसएस सीरीज भी भाई हमें लग रहा नहीं लगवाई है। ये चश्मा उश्मा सब तुम्हारे नीचे पड़ा हुआ यार, पड़ा रहा। चलो अच्छा भाई ये गाड़ी है, ये बताओ गाड़ी कितने दिन पहले बुक कराई थी, तुरंत मिल जाती है या कुछ दिन? नहीं और तो तुरंत मिल जाती है, कोई वेटिंग नहीं, मतलब ये मॉडल अगर एक्सेस लेना चाहे तो वो भी तुरंत मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। अच्छा ये ऑन रोड कितने बता रहे थे? 8,60,70 8,70 की है। डाउन पेमेंट कितना किया था? मैंने 2,50 2,50,000। इससे पहले भी तो मेरे नाम कोई गाड़ी रही है? इससे पहले डिजायर थी, टूरियस डिजायर थी, तो इनका जो है सिविल अच्छा रहा होगा, तो भाई उसी वजह से खैर 2-2.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट करना ही पड़ता है। 8,50,000 की गाड़ी 8,70 की। 8,70 में कोई एसेसरीज वगैरह है या सिर्फ ऐसे ही नंगी नंगी गाड़ी? फुल एसेसरीज। सीट कवर तो है नहीं? सारे कभी डला है ना डलाएंगे। अच्छा सीट कवर वगैरह सारा कुछ है एसेसरीज, लेकिन अभी इन्होंने नहीं करवाए, जब सर्विसिंग पे जाएगी तभी नंबर प्लेट जो है, अभी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई है। हालांकि यार हमारे कानपुर में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं देते हैं, नंबर डाल के ही देते हैं, और तुम्हारे यहाँ हरदोई में बगैर नंबर की गाड़ी दे दी है। रजिस्ट्रेशन हालांकि हो रहा होगा, प्रोसेस में है, हो सकता है 2-4 शहरी में नंबर आ जाए। अभी कब गाड़ी उठाई तुमने? अभी हमने ये 12 को उठाई है, 12 जून। 12 जून को उठाई है भाई, वो आज है कितना 24, 25, 26 आज 26 जून है? नहीं आज 16 जून। अच्छा 16 जून है, 10 दिन सीधा आगे बढ़े जा रहा है भाई। तो कुल मिला के 12 को उठाई थी, 4-5 दिन हुए अभी भाई को गाड़ी को। अच्छा ये ऐसी यही मॉडल क्यों लिया जो अपना? सही लगा, रेट भी सही है, वो ज़्यादा महंगी थी उसमें। इसमें कितने का अंतर था? 1 लाख का? हाँ 1 लाख का पूरा, 1 लाख रुपये का बस। उसमें एलआई व्हील वगैरह बढ़ जाते हैं, एयर बैग वगैरह वो इतने रहते हैं, एयर बैग सेम रहते हैं, एसी भी अच्छा इसमें भी डबल है। हाँ एसी डबल है। क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं एक्स्ट्रा? क्या 1 लाख किलोमीटर में एक्स्ट्रा? उसमें ये है कि एलॉय व्हील बढ़ जाता है, ठीक है। जो अपने ये फेंडर साइड में दे रखे हैं डिपर वाले, वो शीशे पे आ जाते हैं, अब पुश बटन आ जाता है। अच्छा अच्छा इंडिकेटर शीशे पे आ जाते हैं, पुश बटन स्टार्ट आ जाता है, और डोर क्रोम जो है हैंडल वो क्रोम में दे देते हैं, है ना ऐसा कुछ है। अभी क्या है इनके वाइट फिनिशिंग है, और जो इसका टॉप मॉडल है एसएक्स उसमें जो है क्रोमिंग दिया हुआ है, तो कुछ चीज़ों का अंतर है। और बकाया डिजायर डिस्प्ले जो है, अच्छा ये डिस्प्ले नॉर्मल है, उसमें टच देते हैं, एलईडी में आ जाती है। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा ये बता तुम्हारे पास डिजायर भी है, इससे पहले वाली डिजायर है, तुमने ये औरा क्यों ली, कारण क्या रहा? क्या ये ज़्यादा अच्छी है क्या औरा डिजायर से, या कोई और कारण रहा है?
ये है कि अब डिजायर की डिमांड कम हो रही है। मैं दिल्ली में चलाता हूँ, वहाँ पे आदमी ज़्यादातर और ही मांगता है, क्या कि प्राइवेट हमने साइड बना रखी है गूगल पे, तो ऑनलाइन बुकिंग आती है उससे। अच्छा, तो भाई टैक्सी ही गाड़ी ले आई है लेकिन अपने यहाँ नहीं चलाएगा, दिल्ली में जाके चलाएगा। वहाँ कस्टमर का ऐसा फीडबैक है भाई कि डिजायर को कम पसंद करते हैं और औरा गाड़ी को पसंद ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इंटीरियर वगैरह इसका भाई स्पोर्टी लुक बहुत मस्त ज़बरदस्त दिया है, एयर बैग वगैरह ज़्यादा है, चद्दर वगैरह इसकी ज़्यादा मजबूत है डिजायर से, बिल्ट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। एयर बैग कितने हैं, 2, 4, 6 हैं? 4 एयर बैग हैं, शायद SX में 6 आते हैं, 4 ही आते हैं, 6 हैं, उसमें 2 बढ़ा दिए हैं, हालांकि 4 ही पर्याप्त हैं। तो कुल मिला के सेफ्टी के लिहाज से ज़्यादा बेस्ट है, और कस्टमर की डिमांड रही थी हम लोग भाई इतने की, वो ही पड़ रही लगभग जो है 4,000 महंगी है। अच्छा, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं दोनों गाड़ियों में, लेकिन डिमांड इसकी ज़्यादा थी इसलिए भाई ये गाड़ी लेके आया है। और किससे तुमने, कौन से बैंक से तुमने केस कराया है? कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंक होती है जो कि फ्लैट ब्याज लगाती, इंडिविजुअल नहीं लगाती है। अच्छा, कितने महीने किस्तें करवाई है? मेरी 4 साल। 4 साल मतलब बरचौक 48 किस्तें रही होंगी। एक किस्त की वैल्यू कितना है? 18,500 रुपये किस्त है भाई, 48 किस्तें, आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। मतलब मूलधन तुमने कितना लिया था, 5 लाख लिया है? नहीं, 6 के लगभग, 6,50 का लोन कराया है। अच्छा, इसको जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, 6,50 के बदले कितना जमा कर हो जाएगा? 2,39,000 पड़ेगा 4 साल में। 2,39,000 रुपये 4 साल में भाई साहब ब्याज देंगे। कोई भी गाड़ी लो, 2-3 लाख रुपये तो ब्याज चले ही जाते हैं भाई, क्योंकि प्राइवेट बैंक में ब्याज बहुत लगाती हैं। अच्छा, बीमा वगैरह इंक्लूड नहीं, हर साल बीमा तुम्हें अलग से करवाना है या तो किस्तों में ऐड है? नहीं, वो तो कराना है, कराना होता नहीं। कुछ जो है, जो लोग ये लोन करते हैं, कुछ लोग बीमा का भी पैसा ऐड करके चलते हैं किस्तों के साथ में। तुमने सुना नहीं, सुना चीज़ तो सुना होगा लेकिन तुमने नहीं करवाया, तो करवाना भी नहीं चाहिए भाई। हम पहले ही किस्त बीमा पैसा क्यों दे, जबकि हमको 12वें महीने में हमें बीमा मिलेगा, तो समझदारी नहीं है। अभी क्या है, पैसे इकट्ठा करते रहो, जब बीमा का समय आएगा तो अपना उसी पैसे से बीमा करवा लो, ये मानना है कुल मिला के। अच्छा, तुम्हारे पास डिजायर भी है, ये भी है, एवरेज कौन ज़्यादा सजेस्ट देती है? एवरेज इसका अच्छा, एवरेज डिजायर का ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एवरेज के मामले में भाई डिजायर बढ़िया है, और बकायद चलाने में कौन सी बढ़िया है, स्मूथ कौन सी चलती है? स्मूथ ये चल रही है, स्मूथ भाई औरा चलती है। ठीक है, और कस्टमर भी इसी में ज़्यादा खुश रहता है। सही है कुल मिला के। भैया हम लोग अड्डे बैठे हुए हैं, तो हमारे दोस्त के साथ में खेल हो गया, खेल ये हुआ है इसकी ऑफ रोड गाड़ी कर दी है, ये देखो ऑन करते हैं, तो ऑन करने पे ये देखो लिख के आता है, कई सारे भाइयों के साथ में हुआ है, लिख के आ रहा है अस्थायी रूप से ऑन ड्यूटी के लिए अवरुद्ध। ये खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ऐसे गए सबसे नीचे वाले कैटेगरी पे गए, ये यहाँ से जाने के बाद फिर जाएंगे, पार्टनर केयर पे जाएंगे भाई, पार्टनर केयर को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर इस तरह ऑप्शन खुल जाएगा, मेरा खाता ऑफ रोड ब्लॉक किया गया है, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह खुल के आएगा। यहाँ पे आपको मैसेज टाइप कर देना है, प्लीज़ एक्टिवेट माय अकाउंट, जैसे कि हमने कर दिया है, ये देखो हमने किया है। ठीक है, ये सारे मैसेज आ रहे हैं, इसमें टाइप करके आप लिख दोगे तो आपकी गाड़ी 3 दिन के अंदर खुल जाएगी, 2 से 3 दिन का समय लगेगा। ये टिकट नंबर जारी कर दिया गया है, अब इनकी गाड़ी 2 से 3 दिन में खुल जाएगी। जिस जिस भाई के साथ ऐसा हुआ हो तो इसी ट्रिक को अपना के अपनी अपनी गाड़ी ऑनरोड करा सकता है। ठीक है भाइयों, हमारे पास भाई बुकिंग आ चुकी है ओला में आउट स्टेशन की, ये देखो। ठीक है, तो हम जा रहे हैं भाई, ये पिकअप है IIT से। ठीक है, IIT से पिकअप करेंगे, ड्रॉप करना चौधरी चरण सिंह, फेयर दिखा रहा है इतना, तो हम देर ना करते हुए कस्टमर से बात हो चुकी है, कस्टमर बोला ठीक है आ जाओ, तो जा रहे पिकअप करने के लिए, बकाया ब्लॉग वहाँ पे जाके शूट करेंगे। ठीक है भाइयों, गाड़ी हमारी खड़ी है वो। तो भैया आ गए हैं लखनऊ में Terminal 3 पे, कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप करने के बाद सीधा जा रहा है वापस अड्डे पे, अपने खड़े होएंगे, अड्डा मतलब मौसम विभाग का जो बना हुआ है ग्राउंड, वहीं पे जाके खड़े होएंगे। IIT से पिकअप था भाई, लेके आए कस्टमर, एकदम मस्त ज़बरदस्त था। जो फेयर वगैरह है वो हम आपको दिखाते हैं, और
हालांकि ऑनलाइन फेयर था, मतलब हमारे QR कोड पे किया था, ऑनलाइन का मतलब यह हुआ ठीक है, ना कि ओला मनी थी। ये रहा भाई 1378 रुपये ठीक है, और इसके डिटेल में जाते हैं, देखिए ये 90 रुपये टोल आज जुड़ा हुआ है, कभी कभी नहीं जुड़ता है, जब भी आप लोग राइड भाई छोड़ें तो ज़रूर ये चीज़ देखें, ट्रिप का बैलेंस आज भाई काटा है कमीशन ये देखो ठीक है 80-88 रुपये 86 रुपये जो भी समझ लो, तो आज कमीशन काटा है। कभी कभी क्या होता है कि अपने पास से भाई हमको देता है, कस्टमर को कूपन वगैरह ऑफर वगैरह कुछ करता है तो जो हमारा बिल बनता है वो तो हमको देता ही देता है, चाहे वो अपने पास से दे। तो फिलहाल कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद निकल चुके हैं, आप लोग भी फेयर में ज़रूर देख लें कि बिल में टोल इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है, नहीं इंक्लूड है तो अलग से डिमांड करें, जैसे कि अभी पिछली बार हम छोड़ने आए थे एक दो दिन पहले तो भाई टोल नहीं जुड़ा हुआ था, ऐड नहीं था, तो उससे हम अलग से लिए थे कस्टमर से, आप लोग भी देखें नहीं तो आपका 90 रुपये 100 रुपये घाटा हो जाएगा। हालांकि कंपनी देती है 90 रुपये लेकिन कटते हमारे अकाउंट से 55 रुपये हैं, कोई बात नहीं 2-4-5 रुपये की बात है, निकलते हैं यहाँ से फटाफट बाहर, उसके बाद वीडियो बनाएंगे भाई। तो भैया रात के बज रहे हैं 2, आपको हम टाइम दिखा दें, ये देखो भाई टाइम रात के बज रहे हैं 2, क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो ठीक इसमें देख लो भाई, और भाई 1739 रुपये ठीक है, चलो हम डेली का दिखा दें, ए कमाई का ब्यौरा, ये रहा भाई कल वाली राइड का, ये 1378 रुपये ठीक है, और आज वाली राइड का 1739 रुपये, ये देखो 17 जून 1739 रुपये एक राइड पूरी गई की गई है, और इसकी डिटेल में जाते हैं भाई देखते हैं, हाँ ये देखो है भाई ठीक है, ये कुछ है भाई दैनिक भत्ता रात का 1600 रुपये दैनिक भत्ता 100 रुपये, और भाई इसकी डिटेल में जाते हैं, हालांकि अभी सर्वर का इशू है भाई इसलिए फाइनल अभी नहीं आ रहा है, बस इतना मान लो 1739 रुपये हमको मिले हैं, तो कुल मिला के हमारी ट्रिप पूरी हुई, और हमारी जो डेली का अर्निंग है जो कि हमारा टारगेट है 2000 का आज भी हमने पूरा किया है, हालांकि समय कुछ ज़्यादा हो गया है तो होता रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, तो समय वाली कोई बात नहीं, कम से कम अपना टारगेट तो पूरा हो रहा है भाई, और इस समय काम की स्थिति तो सभी लोगों को पता ही होगा जितने भी हमारे ड्राइवर भाई होंगे कि काम की स्थिति भाई इस समय बहुत बुरी है, जिसको काम दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं भाई। अब कल आज हम कल निकले थे, थोड़ा लेट राइड हमको मिली थी, 3-4 बजे शाम को मिली थी, गए और फिर आए, तो कुल मिला के हमारा तो काम बन गया है, और दूसरे भाइयों का तो खैर वही लोग जाने, तो फिलहाल हमारा तो टारगेट पूरा हो गया है, आज का दिन पूरा हुआ, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तो सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।